फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, इसमें दो क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट तरीके से मैं करूँगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5/8 टेक अवे 3/5 है, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, 8 और 5 दोनों जो है वो डिफरेंट हैं, सही। तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 टाइम 5 इज़ 14। उसके बाद इस वाले 5 को आपने इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 टाइम 5 इज़ 25 टेक अवे, क्योंकि यहाँ पे टेक अवे साइन है। फिर 8 टाइम्स 3 इज़ 24, अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 25 टेक अवे 24 इज़ 1/14। इस तरह क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो 7/15 टेक अवे 1/3 है, इसको भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 टाइम्स बाय 3, लेकिन इसमें आप देखें कि एक साइड को अगर हम इस वाली साइड को स्मॉल साइड है तो इसको कितना, हाउ मैनी 3s इन 15, तो 5 इट मीन्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/15 टेक अवे 1/3 है, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 5 हेयर और 5 हेयर, यानी कि देखना है कि किसको इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कि 5 से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इस नंबर को करेंगे, ठीक है। तो आंसर इस 15 आ जाता है। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 7/15 टेक अवे 5 टाइम 1 इज़ 5 और 5 टाइम 3 इज़ 15। हमारा जो बेसिकली मकसद था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो अब ये सेम आ गया तो आंसर इस हो जाएगा 7 टेक अवे 5 इज़ इक्वल टू 2/15। और इस तरह ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप इस वे से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो आप करें वही वाला फॉर्मूला यूज़ करें कि भाई हमने किस तरीके से इसको बैलेंस करना है डिनोमिनेटर।